Hi friends, my name is Umar and we are watching Wrestling TV. गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेथ रोलिंस के रेसलमेनिया 34 के ओपोनेंट के बारे में। तो गाइस काफी समय से WWE शेथ रोलिंस की स्टोरी लाइन को चेंज कर रही है। अब रेसलमेनिया के लिए उनका नया प्लान सामने आया है। WWE शुरू से ही शेथ रोलिंस के लिए अलग से स्टोरी लाइन तैयार करने का काम कर रही है। पहले शेथ रोलिंस और जेसन जॉर्डन की टीम को टैग टीम चैंपियन बनाया, फिर उसके बाद रूमर्स आए कि रेसलमेनिया में शेथ रोलिंस और जेसन जॉर्डन आमने सामने होंगे, लेकिन उसके बाद खबर आई कि जेसन जॉर्डन इंजर्ड हो गए। इसके बाद शेथ रोलिंस की इंजरी की भी खबर आई, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई। वहीं जेसन जॉर्डन की इंजरी के लिए कर्ट एंगल ने ऑफिशियली घोषणा कर दी कि जेसन जॉर्डन रेसलमेनिया 34 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो इससे उनकी जोड़ी टूट गई। तो इससे एक बार फिर शेथ रोलिंस की स्टोरी लाइन में चेंज करना पड़ा WWE को। जेसन जॉर्डन की इंजरी के बाद WWE शेथ रोलिंस की स्टोरी लाइन तैयार करने में जुटी हुई है। इसके लिए उन्होंने 7-मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच में भी शेथ रोलिंस को डाला है और अब उनके रेसलमेनिया के नए ओपोनेंट का नाम भी सामने आ रहा है। रेसलमेनिया के लिए शेथ रोलिंस के ओपोनेंट के रूप में रॉ ब्रांड के एक बड़े सुपरस्टार का नाम सामने आ रहा है। अब रूमर्स आ रहे हैं कि रेसलमेनिया में शेथ रोलिंस का सामना कर्ट एंगल से होगा, क्योंकि शेथ रोलिंस के जेसन जॉर्डन से जोड़ी टूटने के बाद जिस तरह से स्टोरी लाइन आगे बढ़ रही है उसको देखकर तो यही लगता है। WWE शेथ रोलिंस का रेसलमेनिया मैच मिस नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्होंने शेथ रोलिंस को 7-मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच में भी डाला। गाइस पहले इस तरह के रूमर्स भी आ रहे थे कि शेथ रोलिंस को इंजरी हो गई और वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैच को मिस कर देंगे, लेकिन उन्हें इंजरी नहीं थी, उनकी मांसपेशियों में हल्का खिंचाव था और अब वो रेसलमेनिया के मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो गाइस मेरे मुताबिक रेसलमेनिया में उनका सामना कर्ट एंगल से हो सकता है। आपके क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए WWE की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए।